अनचिच, इस पर विचार चल रहा था। अनची च दो पद वाला सूत्र है, अनची सप्तमी का एक वचन है और च अव्यय। अनची में भी हमने थोड़ा संक्षेप में विचार बता दिया था पहले, यहां नए तत्पुरुष समास न अचि इति अनचि, न अचि इति अनचि ऐसे समास हुआ है। और ऐसे जो समास होता है उसका दो अर्थ हो सकता है, एक तो सीधा साधा निषेध कर देना, जैसे कहते हैं तुम मत आओ, सीधा निषेध हो गया ना, वो है या नहीं, तुम मत। और दूसरा बात कह देना तुम नहीं आना और तुम्हारे जैसे कोई नहीं आना, उसके जैसे भी नहीं आना, सादृश्यता में भी निषेध हो गया। और उसमें अंतर करते भी कहा जा सकता है तुम नहीं आना लेकिन तेरे जैसे कोई दूसरा वो आ सकता है, सादृश्यता में विधि भी हो गई, निषेध नहीं। दो प्रक्रिया, एक तो साक्षात निषेध कर दो, अत्यंत निषेध बिल्कुल खत्म, हाँ तो दूसरा है जिसको निषेध कर रहा हूं वो तो नहीं किंतु उससे भिन्न उसके सदृश दूसरे के प्रति विधि हो जाएगा, तद भिन्न तद सदृश, उसको क्या हम कहते हैं पर्युदास प्रतिषेध। दो प्रकार का प्रतिषेध होता है, एक का नाम प्रसज्ज प्रतिषेध और दूसरा पर्युदास प्रतिषेध। इसमें तो सीधा ही प्रसज्ज का निषेध हो गया, जो प्राप्त है उसको सीधा निषेध कर दो, कहन खत्म है। और पर्युदास में ऐसा नहीं होगा, तद भिन्न तद सदृश में विधि हो गया। कहने का मतलब वर्तमान स्थल में घटा रहा हूं, अच से भिन्न हो और अच का सदृश भी हो, ऐसे वर्ण का पर में रहते हुए ही अर्थ हो जाएगा। अच से भिन्न कौन है, हल, और हल में अच का सादृश्यता क्या है, अच में क्या धर्म है, वर्णत्व धर्म, और हल में भी वर्णत्व धर्म है, इसलिए वर्णत्व रूपी धर्म को लेकर के सादृश्यता भी आ गया। हल में अच का भिन्नत्व भी है, अच की अपेक्षा से भिन्नत्व भी हल में आ रहा है, और अच में रहने वाला धर्म विशेष जो वर्णत्व उसके सदृश धर्म वाला वर्णत्व धर्म वाला हल है, इसलिए अच से भिन्न अच से सदृश कौन हुआ, हल हो। इसलिए सूत्र का दो अर्थ हो सकता है, या तो आप ये अर्थ करें परम अच न हो, सीधे सीधे पहला पक्ष वाला परम अच न हो, यह अर्थ हो सकता है। तो दूसरा अर्थ क्या हो सकता है, परम हल हो, परम हल हो, अच से भिन्न अच का सदृश जो हल है वो परम होना चाहिए, अर्थ होगा वर्णत्व, इसमें ये भी वर्ण है वो भी वर्ण है, सादृश्यता जो है जैसे जो है दो आदमी के बीच में सदृश है, बोल दिया भले एक पतला एक मोटा है, यानी मनुष्यत्व में तो सदृश है ना, वैसे वर्णत्व कृत सादृश्यता अच्छा में है ही। ऐसी स्थिति में वर्तमान स्थल जो हमारा कौन सा चल रहा है, सुध या धन उपास्य, इस स्थल में तो दोनों ही अर्थ में से कोई भी अर्थ ले लो आपत्ति नहीं है, पर में अच नहीं है, इस धाग वो हो गया हमारा अच, वो क्या है अच, अच्छा ध में है हम देखेंगे यर, अच्छा परो यरो, अच्छा परस्य यरो, इसको हम क्या करना है, द्वित्व करना है, कैसे करूंगा वो भी द्वित्वम वा विकल्प से करेंगे, द्वित्वम वास्तो न तु अची परमे
अच नहीं है, पहला पक्ष अर्थ में भी समस्या नहीं हमको यहां, अच नहीं है। और दूसरा अर्थ लेता हूं हल पर में हो, यह अर्थ में भी यहां समस्या नहीं क्योंकि यह हल है, यह तो हल। लेकिन वास्तव में कौन सा अर्थ हमें लेना है दो में, इस पक्ष इस स्थल में तो भले दोनों अर्थों में से कोई भी अर्थ ले लीजिएगा समस्या नहीं है, लेकिन हमें एक ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा जिससे कहीं भी समस्या ना, कहीं भी कोई भी रूप में। यदि ऐसा आप चाहते हैं फिर तो यही अर्थ ठीक है और ये अर्थ उचित तो नहीं, क्योंकि जैसे रामः है इस विसर्ग को भी हम द्वित्व करेंगे, रामः रामः विसर्ग का भी द्वित्व वो नहीं हो पाएगा, तो पर में विसर्ग के बाद हल है क्या यहां कुछ, म के आकार अच्छ है, अच्छ से पर में विसर्ग हो गया यर, उस यर को मैं द्वित्व करूंगा पर में अच्छ नहीं है, जो पहला अर्थ है ना पर में अच्छ नहीं है, कुछ भी नहीं है तो अच्छ नहीं है, जब कुछ भी नहीं है आप ये तो बोल सकते हो ना अच्छ भी नहीं है, अच्छे सूत्र लग जाएगा। ये दूसरा अर्थ लोगे अच्छ से भिन्न अच्छ के सदृश वर्ण होना चाहिए फिर तो हल होना चाहिए, ये अर्थ होगा। ऐसी स्थिति में पर में हल है ही नहीं तो विसर्ग को द्वित्व कैसे करूंगा, करना इष्ट है लेकिन होगा नहीं, ऐसे स्थलों में आपत्ति आ जाएगा, इसलिए यहां प्रसिज्ज प्रतिषेध वाला समास मानना उचित है, परिदास प्रतिषेध वाला समास यहां नहीं मानना चाहिए। अतः धकार से द्वित्वम में करी थी, धकार से द्वित्वम, द्वित्व रूप कितना बना, स्थिति क्या हुई, सु ध ध य धन उपास्य एक पक्ष में, जब द्वित्व नहीं हुआ तो यह पहला वाला ही रह जाएगा, जब द्वित्व नहीं हुआ, द्वित्व होने पर यह एक, इसलिए बोलूंगा इसको द्वित्व अभाव पक्ष में यह हुआ, दो नंबर कि द्वित्व विकल्प से होगा ना, विकल्प का मतलब क्या, एक बार द्वित्व करूंगा एक बार नहीं करूंगा, जब द्वित्व किया तो दो धकार हो गया, जब द्वित्व नहीं किया तो एक ही धकार रह गया, जैसा था वैसे रह गया, हैं? विकल्प से नवेति विभाषा एक विशेष सूत्र आएगा स्पेशल, विकल्प के लिए नवेति विभाषा सूत्र स्पेशल बना रखा है पाणिनि ने, और वो भी सर्वत्र नहीं घट सकता, यहां सीधा साधा विकल्प सीधा अर्थ लेना है यार, उसको भी नहीं घटा पाएंगे यार। सामान्य रूपेण व्याकरण में वा माने विकल्प, पक्षे पक्षे सति पक्ष असति, पक्ष में होना पक्ष में न होना, यदि निषेध का विकल्प कर रहा हूं पहले कहूंगा पक्ष में नहीं होगा फिर पक्ष में होगा, विधि का विकल्प कर रहा हूं, दो प्रकार का विकल्प होता है, एक तो विधि का विकल्प और दूसरा निषेध का विकल्प, विधि का विकल्प है और निषेध का विकल्प, बोलने में थोड़ा अंतर इतना ही होता है, विधि का विकल्प के पहले सती बोला जाएगा बाद में असति बोला जाएगा, पहले हो बाद में ना हो, जैसे यहां विधि का विकल्प है द्वित्व का विधि हो रहा है इसलिए पहले कहूंगा हो द्वित्व हो, फिर बाद में कहूंगा द्वित्व ना हो, दूसरा पक्ष। निषेध विकल्प में पहला असत ही आएगा, पहले निषेध कर दिया नहीं हो, बाद में कहेंगे हो, पक्षे असति तदनंतरम पक्षे सति, ये निषेध विकल्प, विधि विकल्प पक्षे सति तदनंतरम पक्षे असति, ये दो आते,
स्थिति में सूत्र लग रहा है आपको, झलाम जश झसी, झलाम जश झसी, झलाम षष्ठी का एक वचन है, जश प्रथमा का एक वचन है, झसी सप्तमी का एक वचन है। ये कोई अन्य चीज, जैसे यहां पर भी देखिए षष्ठी प्रथमा सप्तमी तीनों आ गया। स्पष्टम करे भैया, अर्थ तो सीधा साधा है, आपने आप समझ लो। स्पष्ट, स्पष्ट का मतलब क्या, झल के स्थान में जश आदेश हो झस के होने पर, झल के स्थान में जश आदेश हो झस का होने पर, और यहां भी वही है, तस्मित निर्दिष्टे पूर्व से आएगा, वो कहेगा अव्यवहित पूर्व में हो, तवर्त निर्दिष्ट झस पर में हो। अब यहां देखिए, झल लूंगा पहला वाला धकार को, अब इसको बना दूंगा झस, तब इसके स्थान पे आदेश होगा जश, जश में पांच है, जब गड़द स्थान है, अंतर तम लाना पड़ेगा स्थान। देखो ध का स्थान दंत है, यहां भी ध का स्थान दंत है, बाकी सब का स्थान अलग हो रहा है। ज का स्थान क्या है, तालु, ब का ओष्ठ, ग का कंठ, ड का मूर्धा, द का दंत, तो स्थानीय है दंत, आदेश विषय दंत वाला द ही आदेश होगा, जबगड़ द जबगड़ नहीं होगा, ठीक है ना। कि ज है तालु, ब है ओष्ठ, द है कंठ, ड है मूर्धा, इनका स्थान स्थानीय के स्थान से मिलता नहीं, स्थानीय ध उसका स्थान है दंत, उसके साथ इन चार का मेल नहीं है, सादृश्यता नहीं, अतिवे द आदेश करूंगा। तो दोनों सूत्र यहां भी हम लागू कर रहे हैं, तस्मृत दृष्टि पूर्वस्य और स्थानांतरतमः, दोनों की सहायता से पहला वाला धकार को दकार आदेश हो गया, द ध धनोपास्य। केवल पहला वाला जो रूप है द्वितीय पक्ष वाला उसमें घट रहा है, द्वितीय भाव पक्ष में घटेगा नहीं, कि ध है झल, पर में झस चाहिए ना, झस पर में भी नहीं पूर्व में भी कहीं भी नहीं है, कि यह झम झस में नहीं आता, झस कहां से कहा देखे, झ भई घड़ धस जग घड़ दस, वहां तक झस पूरा आता है दस वर्ण है, और यह तो बहुत पहले हय वरण लण या मंगल नाम झ से पहले आ गया, अतः झस के अंदर यकार नहीं है, अतः इस स्थल पर झलाम झसी नहीं लगेगा, केवल द्वित पक्ष में ही झलाम झसी लग गया। इसे लिख रहे स्वयं इति पूर्व धकार से दकार स्यात्, पूर्व धकार के स्थान में दकार हो। अच्छा, संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतस्य षष्ठी एक वचन, लोपः प्रथमा का एक वचन, निमित्त है ही नहीं, संयोगांतस्य लोपः, यह पदस्य के अधिकार में है, आठ दो तेईस होने से, आठ दो सोलह सत्रह पद से पदात का अधिकार है, वहां से इसका अधिकार चला हुआ है, इसे संयोगांतम यत पदम तदंत से लोप स्यात्। इस सूत्र को लगाने के लिए आपको याद कर लेना पड़ेगा पहले एक और सूत्र को, कौन सा, हलो अनंतरा संयोग, बिना संयोग संज्ञा के संयोगांत पद कौन सा पहचानोगे कैसे, और प्रसंग वाला सूत्र भी याद रखने पड़े, सुप्ति गंतम पदम है ना। तो देखिए थोड़ा यहां कथा पीछे से बांछना पड़ जाएगा दोबारा, तभी समझ में आएगा। शुरू हुई थी सुधी विही उपास्य है ना, यहां से हम शुरू किए थे, समास किए थे, समास होने के नाते ये जो भिस प्रतिदिक रहा था लोप हो गया है ना, सुधी
धन उपास्य स्थिति बन गया था, प्रत्यय का यहां जो आया तो लोप हो गया है, तो भी फिर भी इसका पद संज्ञा रहेगा सुप्तिंगंतम, क्योंकि सुप प्रत्यय है ना, ताभ्याम भिस तृतीया का बहुवचन, सो औ जस दिखा था ना सूत्र, सु औ जस अम आउट शस ताभ्याम भिस, वो भिस का रूप बना था सुधीवी ही, इसलिए भिस है अंत में जिसका ऐसा ये हो गया सुबंत, सुप है अंत में जिसका ऐसा सम हो गया सुधीवी ही, इसे सुप्तिगंधम पदम से सुधीवी ही का पद संज्ञा है, और भिस का लोप होने के बावजूद भी वह पद संज्ञा बना रहेगा, इसे नाक का कटने के बाद भी सुरूपण का थी या नहीं थी, भिस कट गया नाक कट गया उसके बेचारे का, तो भी वो पद है। यहां प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण, आगे एक सूत्र पढ़ोगे आप, प्रत्यय का लोप होने पर भी उस प्रत्यय को निमित्त बनाकर जो कार्य करना होगा वो आप कर सकते हैं, आते हो पद संज्ञा बनी रहेगी। अगर दूसरे भी युक्ति है, कुत्ते का पूछ काट दो तो गधा नहीं होता, होता है क्या? छिन्ने पुच्चे श्वास स्वयं व न तो गर्दब, लौकिक न्याय है, छिन्ने पुच्छे श्वास स्वयं न तो गर्दब, पूछ काट दिया गया कुत्ते का तो वह कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, वह गधा नहीं होता। इसी को हम न्याय की भाषा में बोलते, लोग मैंने अपना व्याकरणों का अपनी युक्ति की भाषा में, एक देश विकृतम अनन्यवत, एक देश विकृत हो गया तो भी वह अन्य के समान नहीं होता, अनन्यवत वह भिन्न नहीं हो जाता, वही रह जाता। यहां भी भिस रूपा चीज चला गया, एक देश विकृत हो गया, जैसे किसका पैर में सेप्टिक हो गया, टिटैनस हो गया, प्रॉब्लम हो गया, काट दिया गया, जैसे भिस को काट के अलग कर दिया, तो भी वो पद बना रहे, एक देश विकृतम अनन्यवत, अनन्यवत मैंने अन्यवत न भवती, अन्य के समान नहीं हो जाता, जैसे कुत्ता गधे के समान नहीं हुआ, एक देश विकृतम अनन्यवत। दो में से कोई भी युक्ति लगा लो, प्रत्यलोपे प्रत्यक्षण समझ लो, चाहे एक देश विकृतम अनन्यवत कहो, किसी प्रक्रिया से इस सुधी की पूरी की पद संज्ञा है। उसी सुधी का हाल हो गया है वर्तमान में सुधधय, है ना, उसी सुधी का यह हाल है ना इस समय में, तो भी पद संज्ञा बनी रहेगी। ऐसे इस पद का अंत में जो ध और य जो दिख रहा है, इतने हिस्से का हम संयोग संज्ञा कहेंगे, हलवनंतरा संयोग, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा है, हलवनंतरा संयोग से ध और य इन दो की संयोग संज्ञा करूंगा। मैंने पहले बोल दिया था संहिता संज्ञा, संयोग संज्ञा, पद संज्ञा, ये सब व्यासज्य वृत्ति संज्ञा है, अनेक अक्षरों पर व्याप्त होकर रहने वाली संज्ञा है, एक अक्षर पर रहने वाला नहीं है, एक एक वृत्ति संज्ञा व्यासज्य वृत्ति संज्ञा, बताया था ना संज्ञा प्रकरण के अंत में, जैसे अच्छ संज्ञा है केवल अ को भी हम अच्छा कहेंगे, दो वर्णों को अच्छा कहने की जरूरत नहीं है, एक वर्ण का भी अच्छ संज्ञा होता है, लेकिन संयोग संज्ञा कभी एक वर्ण का नहीं कर सकते, बैठेगा तो दो के ऊपर ही बैठेगा संयोग संज्ञा, सिद्ध और यह का संयोग हुआ, ठीक। अब देखिए पंक्ति घटेगी, संयोग है अंत में जिसका संयोगांतम पदम, संयोग है अंत में जिसका ऐसा जो पद, यत् पदम, संयोग कौन है, ध और य, यह है अंतिम भाग में जिसका ऐसा जो पद, कौन हो गया, पूरा सुधधय, संपूर्ण का नाम संयोगांत पद, तदंत्यस्य लोपस्यात्, ऐसे जो पद का
अंति जो वर्ण है उसका लोप हो गया। यदि भी अंति इन्होंने जोड़ दिया, अगला सूत्र से आधार पर अंति निर्णय होगा। इन्होंने पहले अर्थ जोड़ दिया, अगले सूत्र का भी अर्थ। यहां वास्तव में वहां वृत्ति क्या है, संयोगांतम व्यत पदम तस्य लोपस्यात, इतना होना चाहिए। संयोगांतम यत पदम तस्य लोपस्यात, तो पूरे पद का लोप की प्राप्ति, तो संपूर्ण पद का लोप हो जाना चाहिए। शुद्ध अधय पूरा का स्वाहा कर दो। जब ऐसी स्थिति हुई तो अगला सूत्र आता है अलोन्त्यस्य, अलोन्त्यस्य। यहां भी दो पद है, अलह षष्ठी एक वचन, अंत्यस्य षष्ठी एक वचन। षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यादेश स्यात्, षष्ठी अंत पदों के द्वारा कोई कार्य का विधान किया गया हो, वह कार्य जहां विधान किया गया है उसके अंतिम अवयव में होनी चाहिए। जैसे पूर्व सूत्र देखिए आप, संयोगांतस्य लोपः, इस सूत्र में संयोगांत से क्या है, षष्ठ्यंत है, षष्ठ्यंत के द्वारा कार्य का विधान हुआ है। लोप रूपा कार्य, लोपात्मक कार्य षष्ठ्यंत संयोगांत के द्वारा विहित है। षष्ठी के निर्दिष्ट लोपात्मक कार्य इसलिए कहां होगा, संपूर्ण पद को नहीं करना है किंतु अंत्यस्य आदेश स्यात्, अंत्य के स्थान में ही होगा। उस पद का अंत में कौन है, यह, उस यह मात्र का लोप होगा, यह मात्र का लोप होगा। इति यलोपे प्राप्ते, इसलिए मूल में लिख दे रहे इति यलोपे प्राप्त। इसलिए संत स्लोप सूत्र का वृत्ति यदि भी तदंत्यस्य में जोड़ दिया है तो होना चाहिए संयोगांतम यत पदम तस्य लोपस्य, संयोग है अंत में जिसका, ऐसा जो पद है उस पद संपूर्ण का लोप हो, यही संयंत्र से लोप का अर्थ। संपूर्ण पद के लोप की प्राप्ति होती है सूत्र से। तब परिभाषा सूत्र आया अलोन्त्य से, भी हम क्या कहते हैं परिभाषा सूत्र, ये भी संपूर्ण का लोप करना ही था तो इतना खिचड़ी क्यों पचाए आप, बेमतलब का पका रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। अरे पहले ही लोप कर देते, सुधी अवस्था में छुट्टी कर देते, आ उसको यण किया द्वित्व किया, कितना उसमें दिमाग लगाना पड़ा, क्या जरूरत थी। यदि पूरे कहीं लोप करना था वो पहले ही लोप कर दो सुधी को ही। इसलिए भले ही पूरा लोप प्राप्त हो रहा है लेकिन कृत प्रक्रिया के देखते हुए महसूस होता है कि भाई यहां में ऐसा करना उचित नहीं है। फिर क्या करें, जब प्रश्न उठता है तो परिभाषा सूत्र आता है अलोन्त्यस्य। अलोन्त्य सूत्र कहता है षष्ठी के निर्दिष्ट कोई विधि सूत्र के तरह कोई कार्य का विधान किया जा रहा है तो वह कार्य विहित स्थान का अंत में जाकर के करना, जिसके स्थान में विधान किया गया है वो संपूर्ण में न करके उसके अंत में जाकर के करना चाहिए। और यहां सगंत से लोप सूत्र निर्वित कार्य है षष्ठ्यंत है संयोगांतस्य, संयोगांत से लोप सूत्र में षष्ठ्यंत है संयोगांतस्य, उसके माध्यम से विहित कार्य है लोपात्मक कार्य। कहां विहित है, संपूर्ण पद में। षष्ठ्यंत संयोगांतस्य सूत्रस्थ, जो संयोगांत से पद के द्वारा विहित कार्य संपूर्ण पद का लोप, वह कार्य उस पद का अंत्य अल को ही करना है। अंत्य अल कौन है, यहां पर यकार है, इसलिए कहते हैं कि यह लोपे प्राप्त। इस प्रकार यकार का लोप का प्राप्त होने पर तभी करना नहीं, वार्तिक कार गद्य मत करो, वार्तिक कार करे न मत करो भाई। यण प्रतिषेधो वाच्य है वार्तिक, यण प्रतिषेधो वाच्य। यदि वह अंत्य अल यण है तो लोप नहीं करना, उस पद के अंत में आया हुआ
अल जिसको लोप करने के लिए अलोन्तिस सूत्र ने, परिभाषा सूत्र ने आपको मदद करके कहा है, वह अंत्य अल यदि यण है तो उसे लोप नहीं करना। इसलिए प्राप्त भी हुआ लेकिन लोप नहीं होगा। जब लोप नहीं हुआ आप शब्दों को मिलाइए, वर्ण सम्मेलनम कर्तव्यम, वर्णों का सम्मेलन करना है, मैकला के सम्मेलन करना नहीं है ना, या वर्णों का सम्मिलनम सम्मेलनम करना है। तो कैसा होगा इसका स्वरूप मिलाने के बाद? ये भी छोटा दकार हो चुका है, ध ध य धन उपास्य था, इसको ऐसा लिखेंगे द, द का नीचे एक ध और दोनों के बीच में से य को निकाल करके उपास्य शुद्ध्युपास्य ऐसे लिखा जाए, द ध और ऊपर लिखो सबको दिखाई दे सु, एक द लिखे इसका नीचे धकार, बीच में से य को ले लेना बीच यूं और इसमें डाल करके उपास्य शुद्ध्युपास्य, और दूसरे में सीधा सीधा है आदि बड़ी धकार होगी शुद्ध्युपास्य। वित्त पक्ष ये रूप हुआ, वित्ताभाव यह रूप हो गया। यहां आप अभी दो ही बनाइएगा, सिद्धांत कौमुदी में 16 बनाएंगे, 16 बनेगा यहां के हिसाब से दो, शुद्ध्युपास्य शुद्ध्युपास्य सुधिविही उपास्य शुद्ध्युपास्य। इसको आप संस्कृत में एक बार पूरा बोलिएगा, पूरा रूप को संस्कृत में सिद्ध करना है, प्रक्रिया पूरा बोलना संस्कृत, सुधिविही उपास्य इति तृतीय तत्पुरुष समासे कृते सति समासत्वात् परः सन्निकर्ष संहितायाम इति संहिता संज्ञायाम जाते इको यणचित्यनेन सूत्रेण तत्र यणि कर्तव्ये, तत्र यणि कर्तव्ये तस्मिन् स्थाने त्रय एकः सन्ति, सकारोत्तरवर्ति उकारः धकारोत्तरवर्ति ईकारः उपास शब्दाद्योकारः त्रयाणामपि यणि कार्य कर्तव्ये तत्र संशयो जायते, किं त्रयाणामपि काम आदेश कर्तव्यः उत कश्चिद्देके एकस्य स्थाने एव, कस्यचित् एकस्य स्थाने एव अनियमे सति नियमकरणार्थं तस्मिन् दृष्टे पूर्वसिति परिभाषा सूत्र उपस्थीयते, तेन अव्यवहिते एव पूर्वे एव यणात्मक कार्यो कर्तव्ये इति निश्चीयते, यस्मात् तस्मात् अर्धमात्रा व्यवधान सत्वेपि संहिताधिकारं स्वीकृत्य यत् सकारोत्तरवर्ति उकार उपास शब्दाद्य उकारयोः यः प्राप्तो भवति तत् अस्य परिभाषा सूत्रस्य विचारणानन्तरं निषिध्यते, यस्मात् तस्मात् धकारोत्तरवर्तिकारस्य उपास शब्दाद्य उकारस्य पौर्वापर्यं स्वीकृत्य उभयोस्थाने यणि प्राप्ते तत्रापि तस्मित् दृष्टे पूर्वसित्यत्रोक्त पूर्वत्वांशतेन पूर्वस्यैव एकः यणि कर्तव्ये धकारोत्तरवर्तिकारस्थाने येन कर्तव्ये इति निश्चीयते, तथापि यणापि चत्वारः इति कृत्वा को आदेशः कर्तव्यः इत्याशंकायां सत्यां स्थानेऽन्तर्तम् इति परिभाषासूत्रसहकारेण स्थानकृत सादृश्याद् ईकारस्य तालुस्थानिकत्वात्
तालुस्थानिक यकार एव आदेश निश्चित है यतः तस्माद् सुध यद उपासीति स्थिते तस्मिन् अवस्थायां तस्मिन् दशायां वा अनच्च इत्यनेन सूत्रेण सकार उत्तर उकारस्य अचम्मत्वा तदुपरि दृष्टस्य धकारस्य यर इति स्वीकृत्य तत्पश्चात अच अभावात धकार से द्वितीय कृते सति द्वित अवस्थायां द्वित पक्षे वा सुध ध यदन उपासिति जायते द्वित अभावे च सुध यदि एक धकारम रूपम स्थीयते तत्र एक देशिकृत मन निवदित न्यायेन वा प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण लक्षणेन वा सुप्तिगणं पदम इत्यनेन सुधधय सुधय इत्यनयोः पदसंज्ञायां स्वीकृते सति तत्रापि धकार यकारस्य संयोगान्तस्लोपः इत्यनेन संयोगसंज्ञायां कृते च सति संयोगान्तस्लोपः इत्यनेन संपूर्णस्य पदस्य संयोगान्त पदस्य लोपे प्राप्ते अलोन्त्यस् इति परिभाषासूत्रसहकारेण अन्त्यस्य यकारस्यैव लोपे प्राप्ते सति यणः प्रतिषेधवाच्यनेन वार्तिकसहकारेण तन्निषेधे वर्णमेलने च कृते शुद्ध्युपास्येति द्वित्वपक्षे शुद्ध्युपास्य द्वित्वाभावपक्षे इति रूपद्वयं सिद्धं भवति ये संस्कृतभाषा आवश्यकता नास्ति अनेको अन्त्यो नास्ति एक एव शुद्ध्युपास्य शुद्ध्युपास्यः बन गया। प्रक्रिया में हिंदी में भी एक बार बोल देता हूं ताकि आपको मालूम होना चाहिए कैसे बोला जाता है कैसे होता है सारी प्रक्रिया किन किन सूत्रों को हमें आगे पीछे का सब जोड़ना पड़ता है एक सूत्र को लगाने के पीछे कितना मेहनत है इसे तो समझिए। सुधि भी उपास्य ऐसा आपने तृतीय तत्पुरुष समास किया है जिसलिए समास होने के कारण परासन्निकर्ष संहिता सूत्र के द्वारा हम यहां नित्य ही संहिता संज्ञा को स्वीकार करते हैं। संहिता संज्ञा को स्वीकार करने पर संहिता के अधिकार में विद्यमान इको यणच इस सूत्र के द्वारा यह यण कार्य करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें यहां इस वर्तमान स्थल में तीन इक दिखाई दे रहे हैं। सकार के उत्तर भाग में उकार, धकार के उत्तर भाग में एक ईकार और उपास शब्द आदि में एक उकार। इन तीन इकों के स्थान पर यण प्राप्त होता है। क्या तीनों इकों के स्थान पर हम यण करें अथवा तीन में से किसी एक को करना चाहिए ऐसे आशंका होने पर तस्मृति निर्दिष्टे पूर्व से यह परिभाषा सूत्र की उपस्थिति होती है और इस परिभाषा सूत्र के अनुसार यद्यपि संहिता के आधार पर अर्धमात्र व्यवधान होने पर भी यण करने को तैयार हुए थे लेकिन अब इस परिभाषा सूत्र के अनुसार अत्यंत अव्यवहित वर्ण में ही हमें यण करना है। जब ऐसा निश्चय हो गया तो सकार के उत्तरती उकार और उपास शब्द के आदि उकार को धकारोती उत्तरवर्ती ईकार और पकारोत्तरती आकार को निमित्त मना करके यण हम नहीं कर सकते क्योंकि वह धकार और पकार का व्यवधान है। अतएव धकार उत्तरवर्ती ईकार या उपास्य का आदि उकार को ही केवल इन दोनों का बीच में एक को यण होना प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में पुनः तस्मृति निष्ठे पूर्व सूत्र की सहायता से पूर्वत्व का निर्णय होने पर धकार को उत्तरवर्ती ईकार को ही यण कर सकते हैं और उपास्य के उकार को नहीं कर सकते। अतएव धकार उत्तरधिकार को इक और उपास्य उकार को अच मानकर उस ई को यण करना निश्चय किया जाता है। ऐसा निश्चय होने पर भी वह यण चार होने के नाते उन यह वाला चारों में से किसको आदेश करना यह आशंका होने पर
स्थान अंतरतम इस परिभाषा सूत्र की सहायता से स्थानकृत सादृश्यता को देखते हुए स्थानीय भूता ईकार का स्थान तालु होने के नाते तालु स्थान वाले यकार को ही हम आदेश करते हैं तो सुध धनोपासी स्थिति बनती है। इस अवस्था में अनचिच यह सूत्र की सहायता से सकार उत्तरवर्ती उकार को अच मानकर तदुत्तरवर्ती धकार को यर और उससे पश्चात आया हुआ य को अच नहीं है ऐसा स्वीकार करने पर धकार को द्वित्व होने होता है तो सुध ध धनोपासी एक रूप और जो द्वित्व के अभाव पक्ष में सुध य एक धकार वाला रूप भी सिद्ध होता है। इन दोनों रूपों में सुध ध धनोपास्य सुध य धनोपास्य इन दोनों ही स्वरूप में एक देशीकृत मन निवात्या प्रतिरूप प्रतिलक्षण में दो लक्षणों के द्वारा सुप्तिगतम पदम से पद संज्ञा स्वीकार करता हूं और संयोगांत श्लोक सूत्र के द्वारा दोनों रूपों का अंतिम दो अवय ध और य के संयोग संज्ञा होने पर संयोगांत श्लोक सूत्र से वह संयोग है अंत में जिसका ऐसा जो पद सुध य समस्त का लोप होना प्राप्त हुआ ऐसी स्थिति में परिभाषा सूत्र अलोंत्य से उपस्थित होता है और षष्ठी संयोगांत से निर्दिष्ट समस्त पद का लोपात कार्य को निषेध करता हुआ अंत्य वर्ण मात्र का लोप करने को निश्चय किया। अतएव दोनों रूपों का अंत्य वर्ण यकार मात्र का लोप प्राप्त होने पर यह प्रतिषेधो वाच्य स्वार्थिक के सहायता से उस यण लोप का निषेध करने से वर्णों का सम्मेलन करने के पश्चात शुद्ध उपास्य द्वित्व का रूप और शुद्ध उपास्य द्वित्व भाव का रूप इस प्रकार से रूप द्वय की सिद्धि होती है। हिंदी में इतनी लंबी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया को दिमाग में संस्कृत में हिंदी में दोनों बिठाना पड़ेगा। संस्कृत सीखना है मेहनत करना पड़ेगा, तोता जैसे शुरू में रटना पड़ेगा। तो शुद्ध उपास्य एक रूप हो गया। इसी प्रकार से मध्वरी ही धात्रंशः लाकृति तीन रूप और है। मध्वरी मधोह अरिहि इति मध्वरी, मधु नाम का राक्षस था, उसका जो शत्रु उसे कहते हैं मध्वरी। ये जो असली अर्थ आपको बताया जा रहा, लेकिन पाणिनि जी ने वरदराजाचार्य हो चाहे जो भी व्याकरण का पहला ग्रंथ में दृष्टांतों को जोड़ा, प्रक्रिया कौमुदिकार हो, इन दृष्टांतों को क्यों दिया एक अलग रहस्य अब बाद में बताऊं। चार दृष्टांत दिया, ई ऊ रील री के लिए चार दृष्टांत, सीधा साधा बात। इसके अलावा एक अलग अर्थ भी है, वार्तकृत रहस्य बाद में उद्घाटन हो, अर्थकृत रहस्य विलक्षण है यार। पहले तो सब भगवान में घटा रहे, विद्वानों के द्वारा पूज्य भगवान, मधु नामक राक्षस का शत्रु भगवान, धातु अंशः धात्रंशः धाता का जो अंश, धातु अंशः इति धात्रंशः रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? मध्वरी में तो है ना विसर्ग है, शुद्ध पास्य में दोनों में रहेगा, सभी में रहेंगे, सभी में। मधु धन अरिहि मधो हो अरिहि समास वा षष्ठी तत्पुरुष समास या मातृतीया तत्पुरुष था, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। मधु धन अरिहि यहाँ दो इक है, मधु के उकार एक इक है, री का ई एक इक है, ऊ को परनिमित्त अधिक रहा है और अगला वाला ई को भी पूर्व निमित्त अधिक रहा है। री के ई को यण करना है तो पूर्व में अच्छा है और ध के ऊ को यण करना है तो पर में अच्छा दिख रहा है, क्योंकि कहीं भी अच्छा होना चाहिए, पूर्व में या पर में कोई मतलब नहीं है। ये कोई अन्य चीज सूत्र का ये अर्थ है ना,
इक के स्थान में यण हो, संहिता के विषय में अच का होने से, अच है कहीं भी हो, तब है तस्मृति निर्दिष्टे पूर्वस्य गजन ही भाई। इक को पूर्व में होना चाहिए, इसका मतलब कि अच पर में, जब ऐसे निश्चय हुआ तब इसी को यण होगा, इसको प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि पर में अच है, इसी को पूर्व मानूंगा तो पर में कहां कोई अच है, इसलिए उसी को तस्मृति निर्दिष्टे पूर्व से लगाने के बाद अपने आप यण प्राप्त नहीं होता, एक ही यण है, इक को यण प्राप्त हुआ, और उस वो को यण क्या होगा, वह मधवध नरी ही बनेगा। स्थान अंतर तम में तो लगाना ही है, ध के ऊ का स्थान क्या है, ओष्ट, और वकार का दंतोष्ट, दंतोष्ट का ओष्टत्व को लेकर के, क्योंकि दूसरा एक दंत वाला ही आगे ला, इसलिए वकार में ओष्ठत्व की सादृश्यता को लेकर के ऊ को व आदेश कर दिया, मधवधनरी ही। और यहां पर एक पुनः अनचिचा दित होगा, एक पक्ष में मध ध व धनरी ही, ये पहला रूप, ये दूसरा एक धकार वाला, झलाम जस झसी म द ध व धन नरी ही पूर्वत एक देशी कर्त बने निवाद प्रतिलोभ प्रतिलक्षण पद संज्ञा हुआ सप्तिगंधम पदम से, हलोनंतरा संयोग संयोग संज्ञा ध और व का संयोगांत स्लोप से संपूर्ण म द ध व म ध व का लोप प्राप्त हुआ, अलोन्त्य कर बोला वकार का लोप करो अंति का, तब यणा प्रतिषेध वाच उसको भगा दिया, तो मिला दो वर्ण सम्मेलन कर दे मध्वरी ही, मध्वरी ही, मध्वरी ही, मध्वरी ही दौर बने। इसी प्रकार से धातु अंश है कि धात्रंश, धात्री ऋकार का दृष्टांत है, या एक ही कहने से तस्मृति निर्दिष्टे पूर्व से लगाने की जरूरत ही नहीं, जहां झगड़ा हो तब न वहां जाना है, दो हो तीन हो चार हो एक ही एक है ना री, बाकी कहीं भी आगे पीछे खा ही नहीं, आज तस्मृति निर्दिष्टे पूर्व से कोई जरूरत नहीं, स्थानांतरतम की जरूरत, जो यण करोगे वो फिर चार रहेगा, कौन सा होगा, री है मूर्धा, र है मूर्धा, तो र आदेश हो जाएगा, धा त र धन अंश अनचिचा वित्त होगा, धा त त र धन अंश जरा से झस नहीं लगेगा, कि पर में झस नहीं मिलेगा, त झल में तो है, इसको हम झल में ले लेंगे, तकार झल में तो आता है, झल कर से झसल अंत वाला ला तक जाना है, बीच में तकार है, लेकिन पर में झस में है क्या, जब अगर के बाद में खपा चढ़ते चढ़ता वो आगे है, श के बाद है, इसलिए झस में त नहीं आएगा, इसलिए झलाम झस पर झस होता था, झस पर में नहीं है, अतः झलाम जिस सूत्र भी लगेगा नहीं, दो सूत्र की जरूरत नहीं पड़ रही इस रूप में, तस्मृति निष्ठे पूर्व से की जरूरत नहीं है, और झलाम जशी भी यहां नहीं लगेगा, बाकी सब लगेगा, संयोग संज्ञा होगा, पद संज्ञा होगा, संयंत्र स्लोप की प्राप्ति होगी, उसको भी रोकता हुआ अलोन्त्य से लग गया, अंत्य रात्र का लोक की प्राप्ति हुई, यणा प्रतिषेध वाच्य वार्तिक ने निषेध कर दिया, तो रूप बन जाता है धात्रंश, एक धात्रंश दूसरा, दो तकार एक रकार, एक तकार एक रकार वाला, इस प्रकार से दो रूप बन जाएंगे, और अंत में आता है लाकृति, ऋकार से आकृतिरिव आकृतिर्यस्य, ऐसा या समास है, इस आकृति पद का लोप हो जाता है, शाखानाम प्रियो पार्थिवो यस्य,
शाखा पार्थ्य प्रिय पद का लोप, तो बचेगा यहां पर री धन आकृति समास करने के बाद इतना ही बचता है, बाकी सारा स्वाहा हो जाता, कुछ भी नहीं बचता। यहां कल री बचेगा और अगले वाला आकृति बचेगा बस। यहां पर दो एक है, नहीं बल्कि तीन ही कई भी है, तस्मृत दृष्टि पूर्वासिया लगेगा। रिवीक है आकृति में, क्री में रिवीक है, ती में ईवीक है, तीन एक विद्यमान। अब तस्मृत दृष्टि पूर्वासिया आएगा, व्यवधान वाले को छोड़ छोड़ा देगा, तो क्री का री और ती का ई के बीच में ता का व्यवधान है ना, इसलिए ये री तो हट गया। अब इस ई को पूर्वच मिलता था री, वो भी व्यवधान हुआ, पर में कोई अच्छा ही नहीं। जब पूर्वस्य मैं कह दूंगा पूर्विक को यण हो, पर में अच्छे पड़ते हुए, तब पर में अच्छ नहीं है, अति इसको भी चला गया, बचेगा एक री। यह पर में अ है, ये पूर्व में इक है, पर में अच्छ है, इसलिए इसको यण होना है। स्थान अंतर तो लगा दो, ल धन आकृति आना चीचा नहीं लगेगा, यर तो है ल, अच से पर में यर नहीं ना, या पूर्व में कोई अच्छा है क्या, अच से पर में यर होना चाहिए। ल तो यर में आता है, या वारा ला ल है वहां, यर में तो आ रहा है, पर में या अच्छे समझ से दूसरा ये भी है, पर में अच्छा नहीं होना चाहिए, अच से पर में होना चाहिए, पूर्व में अच्छा नहीं, और पर में अच्छा नहीं होना चाहिए, पर में अच्छा है, आते वाने चीचा लगेगा नहीं, द्वित्व का काम खत्म हो गया। अब इसकी प्रसंज्ञा हुई री की, री को ला बच गया और पद में दो हल है ही नहीं, संयोग संज्ञा ही नहीं होगा, आते संयोगांत स्वरूप की प्राप्ति नहीं है ना, अलंत से भी लगाना नहीं, यण प्रच्छेद लगाना नहीं, कुछ भी नहीं, केवल एक ही तस्मृत दृष्टि पूर्वस्य स्थानांतर खत्म। वर्ण सम्मेलन कर दो, रूप बन गया लाकृति ही, ठीक। ये तो हो गया, एक विशेष बात कहना बाकी है यहां, धात त्रांशाह आपने बना दिया था, त त र था, इस र को आपने नीचे घुसाया है ना, अंदर घुस गया ना पेट में, ता का पेट में डाला आपने, क्यों, कहीं तो ऊपर सिंह जैसे बना देते हो, कहीं तो नीचे घुसा देते हो, कहीं कुछ कर देते हो, इसका कोई आधार है,